ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾ ਸਨਾਤਨਕ ਧਰਮ ਸਰਵਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਵਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ। हम सब जानते हैं कि अपने देश के अंदर प्रतिदिन एक त्योहार होता है, प्रतिदिन एक समागम होता है और आज का त्योहार है जो अभी कुसुम द्वारा बता रही थी भगत सिंह के जन्म से जुड़ा हुआ समागम। भगत सिंह का जीवन अपने आप में एक मिसाल नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। मिसाल और प्रेरणा के संगम के साथ भगत सिंह ने केवल अपने राष्ट्र और देश के लिए नहीं, इस दुनिया के लिए जो एक संदेश दिया, आज का ही वो पवित्र दिन है जिस दिन आज उनका जन्म हुआ था। और आज एक संयोग है कि आज दुर्गा अष्टमी है, प्रातःकाल 2 घंटे हमने अष्टमी मनाई है। दोनों ही का मेल आप देखेंगे या दोनों ही वृत्तियों को आप देखेंगे तो जहां दुर्गा दुष्टों का संहार करने के लिए आती है वहीं भगत सिंह जैसे लोग राष्ट्र द्रोहियों को नाश करने के लिए आते हैं। दोनों का कितना विचित्र संयोग है, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि हम अपने विद्यालय के अंदर ऐसे महापुरुषों के किसी प्रसंग को इसलिए छोड़ते नहीं कि उनका जीवन हमारे बीच में आ जाए, हम उनके जीवन से एक रस हो जाएं और हम भी उन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। जब भगत सिंह पैदा हुए थे तो बच्चों बड़ी विचित्र परिस्थिति, देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, दूसरों की गुलामी थी। आज ऐसी स्थिति नहीं है, तब भगत सिंह को मरने के लिए पैदा होना था, तब भगत सिंह को बलिदान के लिए पैदा होना था, लेकिन बच्चों आज अगर पैदा होना है तो जीने के लिए पैदा होना है, देश की सुरक्षा के लिए पैदा होना है। दोनों स्थितियां अलग अलग है, तब की स्थिति बलिदान मानती थी, आज की स्थिति जीवन जीना मानती है कि हम जीवन जीना सीखें और उस जीवंत जीवन के साथ अपने राष्ट्र को जीवंत रखें। दोनों परिस्थितियां अलग अलग। जब भगत सिंह, हम सब जानते हैं कि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक अच्छा वातावरण चाहिए और विद्यालय और परिवार में वातावरण देंगे,